जी व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। सो जी लुधियाने से आ गए थे, दाढ़ी का सब कुछ करवा के चेक वगैरह दवाइयाँ वगैरह लेके। मैं भी जस्ट अभी अपनी दवाइयाँ लेके आया हूँ अपने थायराइड में, मुझे आँख में दर्द बड़ा हो रहा था। सुबह जो मेरे को दाढ़ी ने बताई थी वो वाली तो मिली नहीं, इसलिए फिर मैंने दूसरी आई ड्रॉप से लेता हूँ। अगर आजकल में आराम आता तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे आई हॉस्पिटल है, फिर तो दिखा देंगे अपना। तो बस हम चलते हैं करे। सवेरे निकले थे 11:30 बजे और वापस आए हैं 4 बजे, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। हिम्मत जी थी नहीं इतनी, तो नींद आई नहीं, इसलिए मैं मार्केट निकल के दवाइयाँ वगैरह लेने और जाके कॉफ़ी वगैरह पीने वैसे। डोली की ये दवाई थी, अगर यही दवाई थी तो कंचन डॉली इतने पैसे खर्च की ये दवाई लेके आई, मैं तो 60-70 रुपये में ले आया। मतलब हमारे यहाँ के भी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं केमिस्ट। डॉली को बोलो हमें फोटो भेजिए एक बार इसकी आई ड्रॉप्स की। राइट गई, उसको बोलो आई ड्रॉप्स की फोटो भेजिए एक बार। नेरिया की जी जजी ने पहले कहा था बहुत तगड़ी नेरिया होना लिया। कुछ देख लो बाहर पड़ा तो नहीं आंधी तूफान, बहुत तगड़ी आई हुई है धूप मिट्टी पूरी। जिन्हें पहले गया सी 40 किलोमीटर की स्पीड के नाल नेरी आएगी, कल नहीं परसों कह सी आने कल सी बट लेट हो गई थोड़ी जी। हाँ जी नीचे से आग भी पकड़ते हैं। आग बंद कर लो, इलाज हो रहा है यहाँ पे क्योंकि आई पे पिंपल आ गया डियर हस्बैंड के, लोगों के गालों में सुन रोज बोल रहा था पिंपल, अभी तक चूल्हे का पिंपल देख नहीं पा रहा था पिंपल। मनहीर को अभी हम घुमा रहे हैं छत पे ऊपर, पहली बार छत पे जाके रूम वगैरह दे तो हमने दिखा दिया, सैर करवाई थी इसको, लेकिन उस टाइम पे धूप बहुत थी बाहर। गो आउट फिर देखा रिएक्शन। वाओ वाओ अच्छा है ये, ओ नेचर ऐसा होता है दुनिया में, प्यारा लग रहा है ना मुझे। दुनिया में हवा नाम की भी चीज होती है, ऐसा कुछ होता है हवा का झोंका ही आया ना जैसे बाहर आई। हाँ, हाँ। सनसेट कितना सुंदर लग रहा है। अरे वो देखो, वो देखो मंदिर सनसेट, मंदिर उधर, मंदिर उधर, उधर उधर, वो देखो वो देखो वो देख, मैं रील बना दिया ऐसे सनसेट के साथ कि मैं उसको दिखा रही हूँ। ओह हवा चल रही है ना, खुश होगी, ठंडी ठंडी हवा, क्या ही सनसेट लग रहा है यार, मौसम बड़ा अच्छा हो गया, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और ये कतूरे जिसको हम रोटियां डालते हैं रात को। कैसा रहा तुम्हारा दिन फिर? ओह माय गॉड, ताला ना खोल नहीं होता कने का, लॉक वाला है ना ये, ये देख तेरे को ये दिखा देती हूं, ये देख। मनीर 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 दैट्स इयररिंग, आपको पहन नहीं ये वाले पीछे से क्या बैकग्राउंड आ रहा है? आपकी मम्मा ने हमारी ये रोने लग जाती है जैसे दिखती है मेरी बात, क्या किया आज मेरे पूरा दिन माइक से नू मेरा पूरा है। हमने यार बातें करी, हमने थोड़ी बहुत से ऐसे डिस्कशंस चुगले वगले थोड़ा सा ये किया है ना, है ना, मतलब कुछ भी को क्या डिस्कशन थी हमारी वैसे रिश्तेदारों वो तो डिस्कशन होती है, थोड़ा सा ये किया, देखिए हवा चल रही है, गप्पे लड़ाई, थोड़ी सी गप्पे लड़ाई, सहा डोसा बनाया यार दिमाग खराब हो गया। ये बंदा कैसे
अरे हाँ, तुम्हारी डोसे वाली कहानी रह गई। पहले तो दीदी करने लगी, सारा कुछ कर दिया, फिर मनीर का टाइम हो रहा था लंच का, सारे के सारा फटाफट किया जैसे तैसे करके, फिर डोसा बना, इसका हुआ डोसा, फिर डोसा बनाया, मैंने कहा चलो मैं फ्राई करके देखती बन जाएगा। ये अपने डोसे बनाने में ऐसी इसकी हालत खराब हुई, मजा चूरा चूरा खा कर अपनी बैग पे बहुत पेन हो गई थी यार, आधा आधा डोसा बन रहा था लास्ट में, आधा आधा बना मेरे से, पूरा एक तरफ चिपकी जा रहा, मैं ऐसे पूरज पूरज के निकाल रही हूँ, निकालने जा रही हूँ, मन ही भर गया, मन ही भर गया, भूख ऐसे है जो खाना बना रहा होता ना उसका, फिर हमारे साथ भी हो रहा है। वो जाने से मैंने बोला यार इससे अच्छा तो रोटियां मुझे ज्यादा इसी लगती है आपको, मैंने कहा रोटियां ज्यादा इसी है, जल्दी बन जाती है बहुत ज्यादा, चिपकती तो नहीं है रोटियां, ये डोसे में चिपक जाता है यार, पतला बनाने लगती हूँ चिपक जाता, मोटा बनाती हूँ तब भी गीला गीला रहता है, जी भी रहता है उतरता ही नहीं, लगा के पानी छिड़कते ये प्रैक्टिस से हो जाता है ना, हमने कभी बनाया नहीं ना, कभी भी नहीं बनाया, साल में एक बार तो मेरे तो डोसे की दुकान थी, हाँ नहीं तू तो फिर भी एक्चुअली थी, अभी जो जितने हफ्ते में दो तीन बार तो बना ही लेती हूँ, हफ्ते में दो बार देखो तो सही ना, अब डालेंगे बस यार, लो बैठ जाओ यार तुम्हारी कमर बिजली कड़क रही, अंदर चले गया लाइट डर गई, बारिश नहीं आएगी ना मिट्टी। सो कंचन कैसा एक्सपीरियंस लग रहा है? इट्स लाइक जैसे बच्चों ने तो 100% एक्सपीरियंस होता, अभी 30% तो आ ही रहा होगा एक्सपीरियंस, चलो सब क्या कहते हैं आधा तो चलो ठीक है, थोड़ा सा तो संभालना आ गया है, ठीक है शांत हो जाती है, ठीक है वो तो पता नहीं ना बच्चा कैसा होगा, हाँ ये बच्चे में तो डिफरेंट होता है ना, लेकिन क्या कहते हैं टाइम नहीं मिलता, कई बच्चे होते हैं जो सिर्फ माँ के पास ही चुप होते हैं, किसी के पास जाना ही नहीं है, ये भी जब देख लेते हैं ना दीदी को कभी ये भी नहीं चुप करते कि मेरे को मम्मी, बट उसका ये होता है कि 2 सेकंड के लिए जाएगी फिर वापस आ जाती है, ये कि मेरे को घुमा दो फिर मैं चुप हो जाऊंगी, अदरवाइज ये क्या तो बैठना ही है तो मैं माँ के पास जाके बैठूंगी, अगर घुमाना है तो लेके चलो, और मेरे पास आते इसका मेरे ले लो ले लो मुझे ले लो, सब कितने परसेंट ट्रेनिंग 30% उठाने की रह रही है बस, उठाने की नहीं, 50% तो पॉटी साफ करना वगैरह भी होता है, पॉटी करे तो मुझे बता देना, मैं पॉटी साफ कर दूंगी इसकी, है यही तो स्मेल की चुटकी थोड़ी, हर बार अपने बच्चे में भी चुटकी थोड़ी होती है, ये तो एक्सपीरियंस होता है, बंद कर लूंगी 2 सेकंड में फटाफट कर देंगे, बट यार बच्चे के साथ टाइम नहीं मिलता है, फुल डे वो रहता है, मतलब वो तो है ही, खुद का मन रहता है ना, अभी तो चलो हम सारे फिर जब बच्चे हो जाते फिर होता है ना कि माँ को भी आ जाए रह ले, मेरे को रिलैक्स, जैसे हम कल लेके गए होंगे तेरे को रिलैक्स मिला होगा, आधा पौना घंटा बाहर गए थे, बट हम टेंशन में बट इसको देख के फिर बेचारी इतनी डाउन हो गई थी, हमको भी वो हो गया था कि घर ही ले चलते हैं, ये टक्कर मारती है जान के, बट यही है अपनी माँ के साथ ही चंबल दी होती है, वो यार बच्चे की तरह, बट इससे हमें तंग नहीं किया, तंग नहीं करती लेकिन चुप हो जाती है, शांत हो जाती है, पहले थोड़ी देर खड़ी रही फिर शांति से बैठी, फिर इधर देखती नो अब हंसेगी, नो नो नहीं शायद नो समझे ना रही होगी, हाँ वो तो पता है कितना स्माइल पास करती है, बट एक बात है ये दीदी जब इसे हंसाती है, दीदी जब हंसती है ये अपने आप हंसने लग जाएगी ऑटोमेटिक, हाँ हाँ करके हंसने लग जाएगी, जैसे वो दीदी शक्ल बनाती है पूरे फेसेस बनाती है तो अभी देख देख के पूरा हंसती रहती है, सोनी तू जाइयो एक बार ये रूम के बाहर, चल बाय मनी, मनीर बाबा कर दो, नहीं नहीं निकल जा निकल जा निकल जा निकल जा जल्दी, देखिए बैठ जाएगी, अरे तू पीछे जा निकल जा, बाबा कर दो, मनीर बाबा कर दो, सोनी अब तू बैठ मैं जाता हूँ,
करेगी वो करती है, करती है। सुनिए तू बैठ। अच्छा हाँ गाड़ी के अंदर कल किया था। अब तू बैठ, बाय कर दो इसको। अब्बा चल मनीष, मनीष बाय बाय, मनीष मोबाइल ले, मनीष बाय बाय। बाय बाय मनी, बाय बाय। ओ ओ ओ बस बस यही है, अब तुम जाओ। ओह गॉड, ये तो टास का देखती हूँ। देखो तेरे सेंटर में ले गया इसको, इधर ले। मैंने पैसे निकाले, मम्मी के लिए रो रहा हूँ। मनी बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, बाय मनी, बाय 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 बाय। पास आके बाय करो ना इसको। ओके बाय 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 बाय, जा रही हूँ मैं नीचे, जा रही हूँ। बाय बाय, रख ली रख ली, थोड़ी सी इज्जत रख ली। ओ मामी गई, बाय बाय, जा रही हूँ। रख ली कंजन, थोड़ी सी बाय, थोड़ी सी तो इज्जत रख ली। चले नहीं, एक्चुअली तुमको वो इसको बोल बाय करना नहीं आया, तुम तो सीधा गेट खोल के निकल गए। चलो मम्मी बाय, चलो चलो नीचे चलते हैं। चलो क्योंकि दाल में इतने केमिकल्स होते हैं तभी इतनी झाग बनती है। वो तो होता है, मैंने तुम्हें एक वीडियो में देखा था, वो एक फार्मर वाटरमेलन को कैसे इंजेक्शन लगा रहा था कलर के, खतरनाक टीके लगा रहा था, कितने सारे थे यार। इंस्टाग्राम पे वायरल हो गया, मुझे यही लगता है। तभी तो नहीं हुआ क्योंकि आजकल खरबूजों तरबूज में भी आम से जैसे हो गए, जैसे मैंने थोड़ा हल्का से यहाँ पे टॉन्सिल जैसा, ये कुछ कह सकता है, फ्रूट से भी हो सकता है। और चक भी, क्या हुआ ये ट्रांसफार्मर में किसी में पटाखा फूटा है, होते रहते हैं पे। वो तेज आवाज आई है, एक बार देख के आता हूँ। यहाँ अपने तो नहीं, वो फ्यूज नहीं, हमारे तो लाइट है ना। हाँ।